हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आपसे का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीए फर्स्ट ईयर की जियोग्राफी के फर्स्ट पेपर के बारे में, अर्थात भौतिक भूगोल के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो भौतिक भूगोल के बारे में। आज हम फ्रेंड्स भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसके फ्रेंड्स जो यूनिट वन है, इसमें जो फ्रेंड्स सबसे हमारा जो पहला लेसन है जिसका फ्रेंड्स नाम है भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। आज मैं इनसे संबंधित आज आप सभी को कह सकता हूँ कि कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को बताने वाला हूँ, जो फ्रेंड्स हमारे कि बोर्ड एग्जाम में कम से कम 12 बार या 15 बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज फ्रेंड्स मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को कल अपने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। कम से कम 12 या 13 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो में मैंने लिए हैं। तो जितने भी मैं क्वेश्चन आज आप सभी को बताने वाला हूं फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आज आप सभी को बताऊंगा वो 110% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर हमारे इस साल की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैं इस साथ ही साथ ये भी बताना ज्यादा बेहतर समझता हूं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना अचीव करना, तो 90 प्लस अचीव करा जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है वो फ्रेंड्स होता है 90 प्लस। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने हर एक सब्जेक्ट में यानी फ्रेंड्स अपने हर एक विषय में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाना है। तो आप लोग जरूर से जरूर मैं आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप फ्रेंड्स सही समय पर सही तरीके से अपने पाठ्यक्रम की तैयारी बहुत ही रूप में कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए चलिए देखते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को, जो फ्रेंड्स हमारे कम से कम बोर्ड एग्जाम में कह सकता हूं कि ये 12 बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है ये, फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में 12 बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि साधारण शब्दों में भूगोल का अर्थ क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, यानी फ्रेंड्स आज हम भौतिक भूगोल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रेंड्स साधारण शब्दों में भूगोल का आखिर अर्थ क्या होता है, यानी फ्रेंड्स व्हाट इज द मींस ऑफ द जियोग्राफी। तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहां पर मल्टीपल चॉइस में काफी कुछ कह सकते हैं कि यहां पर फ्रेंड्स मैंने कह सकता हूं कि ऑप्शंस को दिए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है ग्रहों का अध्ययन, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स अंतरिक्ष का वर्णन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी का वर्णन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी का इतिहास। यानी कह सकते हैं कि भूगोल का अर्थ क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा राइट आंसर है, तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी का आंसर लिख देना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है पृथ्वी का वर्णन। यानी फ्रेंड्स कौन सा इसका राइट आंसर है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पृथ्वी का वर्णन करना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि साधारण शब्दों में फ्रेंड्स भूगोल का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स साधारण शब्दों में भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। तो आई होप आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी गोल है। यानी फ्रेंड्स बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि भी क्वेश्चन है ये कि फ्रेंड्स ये बताइए आप सभी कि सर्वप्रथम आखिर ऐसे कर कौन से भूगोलवेत्ता थे या ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने फ्रेंड्स बताया कि पृथ्वी गोल है। यानी फ्रेंड्स क्या कि पृथ्वी गोल है। इसमें फ्रेंड्स हमारे जो सबसे पहले भूगोलवेत्ता है वो फ्रेंड्स है टॉलेमी जी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है हार्डसन जी का, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है प्लिनी जी का, उसके बाद फ्रेंड्स वहां फोर्थ ऑप्शन है अरस्तू जी का। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर फटाफट ये बताइए कि फ्रेंड्स पृथ्वी गोल है आखिरकार ये किस विद्वान ने कहा। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है डी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स अरस्तू। यानी फ्रेंड्स अरस्तू जी ने बताया कि जो फ्रेंड्स पृथ्वी है हमारी वो फ्रेंड्स कैसी है, तो वो फ्रेंड्स गोल है। तो आई होप आप सभी को सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। यानी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जो फ्रेंड्स हमारा जियोग्राफी शब्द है वो फ्रेंड्स दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि जियो से और ग्राफोज से। जहां पर फ्रेंड्स जियो का मतलब होता है पृथ्वी और फ्रेंड्स ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन करना, यानी फिर पृथ्वी का वर्णन करना। तो जो फ्रेंड्स ये दोनों शब्द हैं ये आखिरकार किन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने हैं। तो इसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला शब्द है, यानी कह सकते हैं सबसे पहला हमारा भाषा है रोमन भाषा, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा भाषा है यूनानी भाषा, उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा है अरबी भाषा, और फ्रेंड्स चौथा है फारसी भाषा। तो फ्रेंड्स इसका कौन सा राइट आंसर है, तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है यूनानी भाषा। और फ्रेंड्स कम से कम ये 15 बार पूछा गया फ्रेंड्स हमारे पहला जो तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये 15 बार कम से कम हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भूगोल शब्द है ये किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये फ्रेंड्स यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो एंड ग्राफोज से मिलकर बना है। तो आई होप आप सभी को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन, जो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि जो फ्रेंड्स होमर जी थे, यानी फ्रेंड्स जो होमर, जैसा कि होमर बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे जैसा कि आप इनके बारे में जानते होंगे, तो जो फ्रेंड्स होमर जी थे इनकी जो फ्रेंड्स ऐसी ऐसी कौन सी इनमें चार यहाँ पर रचनाएं आप सभी को दर्शाई गई हैं, तो इनमें फ्रेंड्स कौन सी ऐसी रचना है जो फ्रेंड्स होमर जी से क्या है फ्रेंड्स संबंधित है, कह सकते हैं कि होमर की प्रमुख रचना कौन सी इसमें से है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है ओडिसी व मैकबेथ, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है इलियड व मैकबेथ, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है इलियड व ओडिसी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जरूर से जरूर बताएं कमेंट में फटाफट कि फ्रेंड्स होमर की आखिरकार ऐसी कौन सी रचना है, ये उसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या फ्रेंड्स ओडिसी व मैकबेथ है या इलियड व मैकबेथ है व इलियड व ओडिसी है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट मैं बताता हूं कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स जो होमर जी थे इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी थी, तो फ्रेंड्स इलियड व ओडिसी जो फ्रेंड थी इनकी फ्रेंड्स होमर जी की प्रमुख रचना थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होमर की प्रमुख रचना कौन सी है, तो फ्रेंड्स होमर की प्रमुख रचना है इलियड व ओडिसी। तो आई होप आप सभी को समझ में चौथा क्वेश्चन भी आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, और फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन हमारा, आप लोग इसे कहीं नोट पॉइंट में लिख लेना कि हिप्पालस ने किसकी खोज की थी, यानी फ्रेंड्स किसने, तो फ्रेंड्स हिप्पालस ने किसकी खोज की थी। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी बार हमारे बुढ़िया में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि जो हिप्पालस जी थी फ्रेंड्स इन्होंने आखिरकार किसकी खोज की थी। तो जो फ्रेंड्स हिप्पालस जी थे इन्होंने फ्रेंड्स किसकी खोज की थी, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है मानसून की, सेकंड ऑप्शन है जलवायु की, थर्ड ऑप्शन है अश्व कह सकते हैं अश्व अक्षांश की, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी की, यानी फ्रेंड्स हमारे कौन कौन से इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है मानसून की, उसके बाद फ्रेंड दूसरा ऑप्शन है जलवायु की, तीसरा ऑप्शन है अश्व अक्षांश की, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है कि फ्रेंड्स हिप्पालस ने किसकी खोज की थी, तो फ्रेंड्स जो हिप्पालस जी थे इन्होंने फ्रेंड्स किसकी खोज की थी, तो फ्रेंड्स इन्होंने खोज की थी मानसून की। किसकी खोज की थी फ्रेंड, तो मानसून की। तो आई होप आपको पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन कौन सा है, यानी फ्रेंड्स छठवां क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सभी को इस वीडियो में कह सकता हूँ कि मैंने फ्रेंड्स इससे पहले जियोग्राफी के काफी सारे वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दिया, आप सभी जैसा कि भली बात देख रहे होंगे उन सभी वीडियो को मैंने फ्रेंड्स कम से कम कुछ नहीं तो 72 या कम से कम 75 वीडियो के करीब आप सभी को जियोग्राफी प्रोवाइड करा दिया है। तो मैंने फ्रेंड्स उन समय कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को बताया है, लेकिन फ्रेंड्स आज से मैं कुछ ऐसे सीरीज को कह सकता हूँ कि इस सीरीज के अंतर्गत मैं फ्रेंड्स कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लाऊंगा जो फ्रेंड्स कम से कम 12 बार या 15 बार पूछे गए क्वेश्चन है, केवल फ्रेंड्स मैं उन्हीं क्वेश्चनों यानी कि फालतू के क्वेश्चनों को इसमें नहीं लाऊंगा जो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो फ्रेंड्स कम से कम हमारे बोर्ड एग्जाम में 12 बार या 15 बार पूछे गए क्वेश्चन होंगे, उन्हीं फ्रेंड्स क्वेश्चनों को मैं अपने आज से इस सीरीज में आगे की जितने भी सीरीज हैं या जितने भी वीडियो लाऊंगा उन सभी में लाऊंगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जितने भी वीडियो होंगे जियोग्राफी के वो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना, इनमें से फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन कम से कम ऐसा नहीं है कि जो फ्रेंड्स 10 बार या 12 बार पूछा गया ना हो। तो इसलिए फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि पृथ्वी पर देखते फ्रेंड्स हमारा छठा क्वेश्चन कौन सा है कि पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीव किस काल में प्रकट हुए, यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स और काफी बार कह सकते हैं कि पूछा गया क्वेश्चन ये भी है कि पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति यानी फ्रेंड्स प्रथम बार पेड़ पौधे और फ्रेंड्स जो जीव जंतु है वो फ्रेंड्स किस काल में प्रकट हुए। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कह सकते हैं कि ऑप्शन है वो फ्रेंड्स पुराजीवी कल्प, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा कह सकते हैं कि ऑप्शन है वो फ्रेंड्स मध्यजीवी कल्प, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो फ्रेंड्स नवजीवी कल्प, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो फ्रेंड्स नूतन कल्प। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा चारों ऑप्शन है कि पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीव किस काल में प्रकट हुए, फ्रेंड्स पुराजीवी कल्प में या मध्यजीवी कल्प में या नवजीवी कल्प में या नूतन कल्प में। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है पुराजीवी कल्प में। किस कल्प में फ्रेंड्स, तो पुराजीवी ही कल्प में प्रथम बार वनस्पति एवं जो जीव है वो फ्रेंड्स पृथ्वी पर कह सकते हैं कि प्रकट हुए। तो आई होप आपको छठो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन कौन सा है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सातवां क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता का जनक माना जाता है, यानी फ्रेंड्स किसे ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिन्हें फ्रेंड्स भौतिक भूगोल का किसका फ्रेंड्स, तो भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। ऐसे फ्रेंड्स कौन से भूगोलवेत्ता जिन्हें फ्रेंड्स भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारे जो सबसे पहले भूगोलवेत्ता है वो फ्रेंड्स है पोसिडोनियस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारे दूसरे हैं ट्रिवार्था, उसके बाद फ्रेंड्स हमारे तीसरे हैं ग्रेगरी एंड फ्रेंड्स हमारे चौथे हैं स्ट्रहलर। तो फ्रेंड्स ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता हैं भूगोलवेत्ता में जिन्हें फ्रेंड्स भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स इस भौतिक भूगोल का कह सकते हैं कि जनक किसे माना जाता है, तो फ्रेंड्स भौतिक भूगोल का कह सकते हैं जो जनक है वो फ्रेंड्स हैं स्ट्रहलर जी। कौन है फ्रेंड, तो स्ट्रहलर जी को कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो आई होप आप सभी को सातवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा आठवां क्वेश्चन कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा आठवां क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तक यानी फ्रेंड्स एक पुस्तक लिखी गई थी नेचर ऑफ जियोग्राफी
जियोग्राफी, यानी फ्रेंड्स कौन सी पुस्तक थी, तो नेचर ऑफ जियोग्राफी। इसके फ्रेंड्स लेखक आखिरकार कौन है, यानी फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कम से कम ये फ्रेंड्स 20 या 22 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पुस्तक नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक आखिरकार कौन है। तो इसे फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है रिस्टोफेन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है कॉपरनिकस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है टॉलेमी, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है रिचर्ड हार्टसोन। यानी फ्रेंड्स कितने ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन है, जिसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है रिस्टोफेन, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कॉपरनिकस, थर्ड है फ्रेंड्स टॉलेमी, एंड फोर्थ है फ्रेंड्स रिचर्ड हार्टसोन। तो फ्रेंड्स नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है रिचर्ड हार्टसोन। यानी फ्रेंड्स रिचर्ड हार्टसोन जी कह सकते हैं कि नेचर ऑफ जियोग्राफी जो नाम पुस्तक है इसके फ्रेंड्स ये राइटर हैं। तो आई होप आप सभी को आठवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नौवां क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो नौवां क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, यानी फ्रेंड्स ऐसे कौन से इसमें से विज्ञान चारों में से हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि भौतिक भूगोल की 12 शाखाएं होती हैं, और जो फ्रेंड्स मानव भूगोल होता है उनकी भी फ्रेंड्स कितनी शाखाएं होती हैं, तो 12 शाखाएं, यानी फ्रेंड्स कुल मिलाकर फ्रेंड्स 24 शाखाएं होती हैं। तो इनमें फ्रेंड्स ऐसी कौन सी शाखा है जो फ्रेंड्स भौतिक भूगोल से संबंधित शाखा नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है जलवायु विज्ञान, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है जीव विज्ञान, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है समुद्र विज्ञान, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है भू आकृति विज्ञान। तो ऐसे फ्रेंड्स इन चारों को कह सकते हैं कि शाखा में ऐसी कौन सी शाखा है जो फ्रेंड्स भौतिक भूगोल से संबंधित शाखा नहीं है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है बी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स जीव विज्ञान है ये फ्रेंड्स भौतिक भूगोल से संबंधित शाखा नहीं है। तो आई होप आप सभी को नौवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स दसवां क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये कम से कम 25 या कह सकते हैं कि 27 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दसवां क्वेश्चन कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी फ्रेंड्स क्या कि वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन किस विद्वान का, यानी फ्रेंड्स ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता थे इन्होंने फ्रेंड्स कहा था कि जो वर्तमान है फ्रेंड्स ये भूत की कुंजी है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो वर्तमान समय फ्रेंड्स ये बीते हुए समय की फ्रेंड्स क्या है कुंजी है, यानी कि वर्तमान भूत की कुंजी है फ्रेंड्स किस भूगोलवेत्ता ने कहा था। तो इसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहले भूगोलवेत्ता है जेम्स हटन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारे दूसरे भूगोलवेत्ता है कार्ल रिटर, उसके बाद फ्रेंड्स हमारे तीसरे है हार्टसोन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा इनमें से है ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था कि जो वर्तमान है वो फ्रेंड्स भूत की कुंजी है, तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स जेम्स हटन, यानी फ्रेंड्स जेम्स हटन जी ने कहा था कि जो फ्रेंड्स वर्तमान है वो फ्रेंड्स क्या है भूत की कुंजी है। तो आई होप आप सभी को 10वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11वां क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कार्य कारण संबंधों से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी फ्रेंड्स जब हमने फ्रेंड्स ये एग्जाम दिया था अपने बीए फर्स्ट ईयर का, तब फ्रेंड्स ये हमारे कह सकते हैं कि उस समय फ्रेंड्स हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, और फ्रेंड्स अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी कार्य कारण है जो फ्रेंड्स संबंधों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये फ्रेंड्स उस समय आया था, और फ्रेंड्स मैं इसे गलती से गलत कर चला आया था, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फ्रेंड्स उस समय मैंने थोड़ा सा माइंड को नहीं लगाया, फ्रेंड्स मैंने इसे गलत करके चलाया, तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने इस क्वेश्चन को आप सभी को बताना बहुत ही बेहतर समझा। और फ्रेंड्स ये अब भी फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में अभी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि इस साल के पिछले वाले साल भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन से कार्यकरण है जो फ्रेंड्स संबंधों से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है क्यों, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है कहां, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है क्या, और फ्रेंड्स हमारा जो सबसे कह सकते हैं कि चौथा ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है कब। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स से कब, यानी फ्रेंड्स जो कब शब्द है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कार्यकरण संबंधों से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। तो आई होप आप सभी को कह सकते हैं कि 11वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन को फ्रेंड्स यहां पर कह सकता हूं कि हर एक क्वेश्चन का नोट्स बनाते हुए चलना है फ्रेंड्स, आप सभी को ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं बनाना, आप सभी को हर एक नोट्स बनाना है, तभी फ्रेंड्स आप अभी 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर नोट्स बना लेना, या फ्रेंड्स नोट्स नहीं बनाना तो कम से कम वीडियो को दो बार देख लेना, जिससे फ्रेंड्स आप सभी को 110% हर एक क्वेश्चन लर्न हो जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वैसे नोट्स बनाएंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा, आप सभी के आगे के एग्जाम्स के लिए भी बहुत सारे कार्य करेंगे ये सारे नोट्स। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12वां क्वेश्चन नंबर कौन सा है।
उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 12th नंबर यानी कह सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने कहा था कि जो फ्रेंड्स भूगोल है वो फ्रेंड्स पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं यानी कह सकते हैं क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय भिन्नताओं होती हैं क्षेत्रीय भिन्नताओं की वितरण तथा व्याख्या से संबंधित है। फ्रेंड्स ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने फ्रेंड्स कहा था जो फ्रेंड्स भूगोल है वो फ्रेंड्स पृथ्वी पर क्षेत्रीय जो भिन्नताएं हैं उनके फ्रेंड्स विवरण तथा उनके फ्रेंड्स व्याख्या से संबंधित है। ये फ्रेंड्स भूगोल है यानी फ्रेंड्स किसने कहा था ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने फ्रेंड्स कहा था कि जो फ्रेंड्स भूगोल है वो फ्रेंड्स पृथ्वी पर जितनी भी क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं तथा जो फ्रेंड्स उनके विवरण है या जो फ्रेंड्स उनकी जो व्याख्या है उन सभी से फ्रेंड्स क्या है भूगोल जो है वो फ्रेंड्स संबंधित है। तो इसे फ्रेंड्स देखते हैं कि ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता ने ये कहा था। इसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है हम्बोल्ट ने यानी फ्रेंड्स हमारा हम्बोल्ट जी ने कहा था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है टॉलमी जी ने कहा था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है कार्लेटर जी ने कहा था या चौथा ऑप्शन है हार्डसन जी ने कहा था। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था कि जो फ्रेंड्स भूगोल है वो फ्रेंड्स पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताओं की विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है फ्रेंड्स तो जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है हार्डसन जी ने। किसने कहा था फ्रेंड्स तो हार्डसन जी ने कहा था कि जो फ्रेंड्स भूगोल है वो फ्रेंड्स पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताओं तथा के विवरण तथा जो फ्रेंड्स उसकी व्याख्या उससे फ्रेंड्स ये क्या है संबंधित है। तो आई होप आप सभी को कह सकते हैं कि बराबर क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। मैं फ्रेंड्स बार बार अपने हर एक क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर दे रहा हूं जिससे फ्रेंड्स आप सभी को 110% समझ में आ जाए। ये फ्रेंड्स आप सभी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से रटाने का फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपसे के लिए प्रयास करता हूँ। तो आई होप आप सभी को हर एक क्वेश्चन समझ में फ्रेंड्स आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। यानी फ्रेंड्स ये पिछले बार का भी पूछा गया क्वेश्चन था कि फ्रेंड्स ऐसा कौन सा लक्षण था जिसको फ्रेंड्स भौतिक लक्षण कहा जा सकता है यानी फ्रेंड्स ऐसा कौन सा लक्षण है जिसे फ्रेंड्स भौतिक लक्षण कहा जा सकता था। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है बंदरगाह। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है मैदान। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है सड़क और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है उद्यान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है मैदान यानी फ्रेंड्स मैदान को कह सकते हैं कि भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पर हवा का कह सकते हैं कि थोड़ा हवा तेजी से चला इसका से पेज थोड़ा सा फ्लट गया तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी मैं बोल दे रहा आप सभी को। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन क्या था। तो फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा लक्षण है फ्रेंड्स जिसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है बंदरगाह, सेकंड ऑप्शन है सड़क, थर्ड ऑप्शन है मैदान और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है उद्यान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन था तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था मैदान। तो आई होप आप सभी को मैंने जो फ्रेंड्स कह सकते कि टॉप 13 क्वेश्चन अपने इस वीडियो में बताए हैं। आई होप आप सभी को समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को 13 के 13 क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग फ्रेंड्स क्या करना कि चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को कह सकते हैं कि सब्सक्राइब करना ही करना। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो को यदि फ्रेंड्स आप सभी ने लाइक अभी तक नहीं किया है तो आप लोग जरूर से जरूर कह सकता हूं कि वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब है। फ्रेंड जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी 90+ अचीव मार्क्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स आप हर एक वीडियो को नहीं देखेंगे और फ्रेंड्स इससे हर एक वीडियो का आप सभी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप फ्रेंड्स हर एक वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप सभी को हर एक वीडियो देखना है और फ्रेंड्स अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव करना है तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फ्रेंड्स कमेंट में ये कमेंट करके आप ये बताएं कि आप सभी क्या वीडियो समझ में आया या फ्रेंड्स आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग जरूर से जरूर उसे भी कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अपने इस वीडियो को कह सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप में एकदम से शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।